सबसे पहले हम सेट 3A की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने कल बता दिए थे वो नहीं बताऊंगा, है ना। लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, क्या करेंगे इसमें, पता है सभी को? लॉग एक्स को क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/x टी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यह आ गया आपका टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री, और टी का वैल्यू रख दो। ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन सेट ए का, 3A का। क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। किसी को दिक्कत है इसमें? सेकंड बेटा, ग्रुप पे मैं दोनों सेट डाल चुका हूं, और बाकी आपका न्यू वाला अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना बेटा। -1 to 1 log 2 - x अपॉन 2 + x। अब हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब भी इनडेफिनेट प्रॉब्लम आए डेफिनेट की, तो आप आई इक्वल टू ले लेंगे। अब इसमें यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी, ये आपके पास एफ एक्स है, या तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो और इसमें एक्स की जगह -x रख दो। तो हर एक्स की जगह -x रखा, इसको उल्टा करेंगे तो ये वापस से वही आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, -fx आ गया। आप या तो इस वाले मेथड से कर लो। यहाँ प्रॉपर्टी लग गई ए -a to a f(x) dx। -a to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 ए f - x इक्वल टू -f(x)। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड क्या है, एक और प्रॉपर्टी लग सकती है, ये वाली प्रॉपर्टी a to b f(x) dx दिस इक्वल टू a to b f a + b - x dx। तो इसमें क्या होगा, आई इक्वल टू, जैसे आपने a to b, तो -1 + 1 0 हो गया, और हर एक्स की जगह -x। अब आप क्या करो, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसमें आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, तो बेटा लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, बोलो। लॉग ए बी लॉग ए भी कर दो, लॉग ए प्लस लॉग बी दोनों को ऐड कर दो यहाँ। तो हम लिखेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे आप ऐड कर दोगे तो ये आ गया 2i इक्वल टू, लॉग ए बी करोगे तो लॉग 1 आया कि नहीं आया, देखो लॉग ए बी करती।
लॉग वन क्या होता है? जीरो। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। इन दोनों मेथड में से कोई से भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। पहला मेथड समझ में आया क्या? यस सर। पहला मेथड क्या है? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जीरो कब होता है? जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो मैंने जैसे ही एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस एफ एक्स आ गया। सेकेंड मेथड क्या है? मैंने प्रॉपर्टी लगा दी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों को ऐड किया जीरो माइनस एक्स, और एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आई प्लस आई टू आई, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी, लॉग ए बी करोगे तो लॉग वन आ गया और लॉग वन की वैल्यू जीरो। तो आप इन दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब थर्ड वाला देखो। इसका थर्ड वाले में हमारी प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है भाई? e की पावर x आ रहा है तो e की पावर x वाली प्रॉपर्टी लग रही है। इस sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स दिस इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो हमारा यहां पर एफ एक्स क्या है? सेक एक्स। और एफ डेस एक्स क्या है? सेक एक्स टेन एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यहां से देखो, ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी प्रॉपर्टीज। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ए आंसर हो गया इसका। थर्ड का आंसर ए हो गया। जिस जिसका सेट है वो देख लीजिए, बाकी मैंने दोनों पेपर डाल दिए, आपको दूसरे सेट करने हैं सबको ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो थर्ड वाले में कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। चलिए देखो, फोर्थ फोर्थ थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर सिक्स प्लस वन। बेटा ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स क्यूब एक्स क्यूब। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और एक्स क्यूब को टी मान लो। तो ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हमारा आ गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। बोलो, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन किसका इंटीग्रेशन होता है? टेन टेन इनवर्स टी। इनवर्स। तो टेन इनवर्स टी, और टी किसकी वैल्यू है? एक्स क्यूब। तो सेट ए में आपके पास सबके पास पेपर है ही है, सेट ए का आपका इसका आंसर बी आ रहा है। फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। क्लियर? अब बेटा फिफ्थ में नहीं बताऊंगा क्योंकि कल बता दिया, बताया था कल फिफ्थ। सिक्स देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन एक्स, देखो कैसा पैराबोला बनेगा। कौन सा पैराबोला है? वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन एक्स, राइट राइट पैराबोला है। ये हमारा राइट पैराबोला बन गया। अब x इक्वल टू वन है और x इक्वल टू फोर है। तो देखो, x इक्वल टू वन ये वाली लाइन मान लो आप, और x इक्वल टू फोर ये वाली लाइन मान लो। अब हमें इसका एरिया बाउंडेड कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया सिर्फ ये वाला आ रहा है। कहां से कहां तक? ये वन है और ये फोर है। तो हम एरिया क्या लिखेंगे? एरिया इक्वल टू वन से लेकर फोर, यहां से वाई की वैल्यू निकालोगे तो फोर रूट एक्स डी ए।
वाई डी एक्स, तो ये आ गया 1 2 4, 4 √x dx। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x^3/2, लिमिट लगा दिया आपने 1 से लेकर 4। 4 की पावर 3/2 करोगे तो 8 आएगा, और 1 की पावर 3/2 करोगे तो 1 आएगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या आंसर आया इसका? 6 का 50x 56/3 square unit, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। क्लियर है? बोलिए। यस सर। चलिए 7। डीएक्स अपॉन एक्स इंटू x^5+3। देखो इसका सबसे बढ़िया मेथड क्या है, इसका सबसे बढ़िया मेथड होता है कि ये x^5 को बाहर ले लो, जैसे ये बाहर आएगा तो ये x^6 हो गया और अंदर आ गया 1+3/x^5। सबसे बढ़िया मेथड है, जब भी x मल्टीप्लाई कुछ भी आ जाए तो अंदर जो पावर आ रही है, जो भी x^ आ रही है उसको बाहर ले लो। बाकी इसके बहुत सारे मेथड है। अब आप 1+3/x^5 को t मान लीजिए, बेटा 1/x^5 का डिफरेंशियल हो गया -5, मतलब 15 हो गया, अपॉन x^6 dx=dt। तो यहां से 1/x^6 dx = -dt/15। अब देखो इधर, आपने ये रख दिया -1/15 और ये आ गया dt/t। 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू रख दो, इतना इजी हो जाता है यदि आप ये वाला मेथड लगाओगे, 1+3/x^5+। ये मेथड समझ में आया क्या? बोलिए, दोबारा बता रहा हूं, एक्स मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी आ जाए तो जो ये अंदर वैल्यू आ रही है इसको कॉमन ले लो, बाहर ले लो। तो जैसे बाहर लिया x^6 आ गया, और अंदर x^5 से डिवाइड कर दो क्योंकि बाहर लिया आप। अब आप इसको t मान लो, 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x^5 का डेरिवेटिव हो जाएगा -5, मतलब -5 × 3 -15 upon x^6 dx = dt। तो 1/x^6 dx की वैल्यू -dt/15, तो इसकी जगह आप लिख दोगे -1/15 dt/t, और t की वैल्यू रख दोगे। क्या ये क्लियर है? बोलिए। और कोई दूसरा मेथड बताऊं क्या? यही इस बढ़िया है, नहीं सर, ये ठीक। यही ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कल करवा दिया था, 9 9 नहीं करवाया था ना कल? कल 9 नहीं करवाया था ना? 9 देखो आप, x² + y² = 16, क्या है ये? सर्कल लोकल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 4। अब देखो इसको प्लॉट कर लेते हैं, और दूसरा है y = x, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। देखो ये सर्कल बना दिया मैंने, ये y = x, ये वाली लाइन जाएगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, ये आपकी लाइन y = x बन गई, ये हमारी लाइन है y = x, ये सेंटर 0 0 हो गया, रेडियस 4,0 हो गया, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया निकालना है,
तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है पहले हम सोल्व कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड को, इस तरह से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वाई की जगह एक्स रख दो, तो 2x² = 16, तो एक्स की वैल्यू 2 रूट, तो ये आ गया 2√2,0। नाउ एरिया बाउंडेड, बेटा 0 से 2√2 कौन आ रहा है, लाइन लाइन आ रही है, तो y = xdx। और 2√2 से 4 कौन आ रहा है, सर्कल सर्कल आ रहा है, 2√2 से 4 सर्कल आ रहा है, तो सर्कल y की वैल्यू निकालोगे तो 16 - x² dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, x का इंटीग्रेशन हो गया x² / 2, लिमिट लग गया 0 to 2√2, और इसका तो फॉर्मूला मैंने बताया था, x/2√ a² - x² + a² / 2 sin 1 x/a, लिमिट रख गया 2√2 से 4। अब मैंने 2√2 यहाँ रखा तो 8, 8/2 4 आ गया, 4 इसमें रखा तो 0 आ गया, 8 π/2 हो गया ये, माइनस लोअर लिमिट रखाऊंगा 2√2/2√2, 2√2 का² 8, तो 2√2 + 8, 2√2/4, ये 2√2/4 रखेंगे तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ 1/√2 बचेगा, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 5/4 π/4, तो ये आ गया 4 + 4π, ये भी 4 हो गया, और -2π, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2π² यूनिट। किसका था फर्स्ट, ए सेट में किसी का सही हुआ ही है, ठीक यस सर हाँ सर है, तो इसका आंसर 2π² यूनिट आ गया। ओके सर इस तरह से होगा, देखो बिल्कुल सीधा सीधा हो रहा है, कहीं पे भी कहीं दिक्कत नहीं है, कल भी हमने इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम की थी, 0 से 2√2 आपका लाइन जा रहा है, 2√2 से 4 सर्कल जा रहा है, बस दोनों को ऐड कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बोला था उसने। आप क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10th, बाकी 11th और 12th कल बता दिए थे, तो फर्स्ट सेट तो कंप्लीट हो जाएगा, 10th देख लो, 10th कल इसने पूछा था, ये सुहावी ने कल यही पूछ रही थी वो लास्ट में, लेकिन पेपर पहले बन चुका था, इसने बाद में पूछा। 3 sin 5 - 2 cos 5, 5 - cos² 5 - 4 sin 5। देखो साफ दिख रहा है कि इस cos² 5 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 - sin² 5, तो इसको लिख दो 1 - sin² 5। और इसको ओपन कर लो, 3 sin 5 - 2 cos 5, 5 - 1 + sin² 5 - 4 sin 5, तो नीचे बचा हमारा 3 sin 5 - 2 cos 5, 4 + sin² 5 - 4 sin 5, d5। अब इसके बाद हम साइन फाइव को टी ले लेंगे, लेट sin φ = t, तो ये आ गया cos φ d φ = dt। अब इसमें लिमिट डाल दो, इसकी वैल्यू डाल दो, 3t - 2
अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4dt। बेटा ये नीचे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये किसी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। कैसे होगा पार्शियल फ्रैक्शन, देखो इधर, लेट 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का स्क्वायर, ए अपॉन टी माइनस 2 प्लस बी अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, तो टी माइनस 2 से करा तो ये टी माइनस 2 प्लस बी, अब पुट टी इक्वल टू 2 रख दीजिए ये 4 आ गया और ये बी आ गया, तो हमारा बी का वैल्यू 4 आ गया। कंपेयरिंग कोफिशेंट ऑफ टी, क्योंकि हाईएस्ट पावर यही आ रही है, इधर 3 है और इधर ए है, तो ए का वैल्यू हमारा 3 आ गया। इस तरह से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन करने। क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर है? बोलिए कौन सा मेथड है ये, यस रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। अब देखो जरा, इसका मतलब ए का वैल्यू 3 आ गया, तो ये हो गया आपका 3 dt अपॉन टी माइनस 2, और बी की वैल्यू आ रही थी 4 dt अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन टी माइनस 2 का इंटीग्रेशन लॉग टी माइनस 2, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी, और आप टी की वैल्यू रख दीजिए, बस ये आंसर है। इस तरह से हो। एक्सक्यूज मी सर, इसमें हाँ बोलो बेटा। जैसे टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 40 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो अगर मैंने इसको टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4 को यू मान के कर लिया तो फिर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत, ओके सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। ठीक है भैया, आप परफेक्ट स्क्वायर बना के करोगे तो भी सही है, बिना वैसे करोगे तो भी सही है। ठीक ओके सर, है, तो ये हमारा सेट हो गया। बाकी 10 और ये बाकी के दोनों क्वेश्चन 11 12 कल बता दिए। अभी भी सेट है में किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो बोल दो, मैं सेट भी स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। क्लियर है? नो सर, चलिए सेट भी देखो, क्वेश्चन पेपर दोनों आपको भेज दिए हैं, अभी न्यू वाला भी भेज दूंगा, पहले से ये सेट भी देख लो। सेट भी क्वेश्चन नंबर 1, ये अगेन वही प्रॉपर्टी, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डीएक्स, इसको आप अलग अलग कर लो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया 1 बाय एक्स, ई की पावर एक्स डीएक्स। प्रॉपर्टी क्या बताई थी अभी पिछले वाले ने सेट में, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, ये होता है बेटा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर आ गया ई की पावर एक्स और एफ एक्स क्या है यहाँ पर, 1 बाय एक्स, इसमें एफ एक्स 1 बाय एक्स है और एफ डेस एक्स इसका -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये एफ एक्स हो गया ई की पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर एफ एक्स किसके इक्वल है, 1 बाय एक्स, तो आंसर इज बी। क्लियर है फर्स्ट वाला? अब यस सर, देखो यस सर, सेकंड वाला, अभी देखो फिर सेट ए में हमने बताया था वही सेम प्रॉपर्टी लग रही है आपके पास, जब प्रॉपर्टी क्या होती है -a to a एफ एक्स डी एक्स, ये जीरो कब होता है, जब एफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाता है, एफ एक्स। आपके पास एफ एक्स है एक्स की पावर 29 कोस एक्स की पावर 8, अब मैं यदि एक्स की जगह माइनस एक्स रखूं देखो, कोस तो माइनस साइन को ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये तो कोस एक्स की पावर 8 ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 29,
तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, क्या हो गया, ए ऑप्शन 0। क्लियर? यस सर, इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारी एमसीक्यू आते हैं वहां पर, ये एक एमसीक्यू आने के पूरे चांसेस रहेंगे इस प्रॉपर्टी। थर्ड, 0 to π/2 कोसेक्स डीएक्स, बड़ा इजी है, तो इसमें तो क्या करना है, बोलो कोसेक्स का इंडिकेशन साइन एक्स साइन एक्स डायरेक्ट लगाना था बस, 0 to π/2। sin π/2 वन। 1 ये आ गया। आंसर क्या आएगा, 1। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, डी डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स dx। तो बेटा उल्टा कर दो, sec किसका उल्टा है, cos का, और cosec किसका उल्टा है, sin का, तो ये आ गया आपका tan स्क्वायर एक्स। क्या बताया गया था, जब टेन स्क्वायर एक्स कभी भी आ जाए तो क्या लिखोगे, 1 - sec² हाँ sec स्क्वायर उल्टा, माइनस वन। हमेशा उल्टा क्यों बोलते हो बेटा, ये टेन से चला आ रहा है, कभी भी टेन स्क्वायर एक्स पूछते ना तो आप 1 - sec² बोलते हैं, और तुम ही नहीं बोलते, 90% लोग यही बोलते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस एक्स प्लस, ये 4। फिफ्थ मैंने कल बता दिया था, सिक्स्थ भी कल बता दिया था, सेवंथ वाला देख लो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, तो देखो अपवर्ड पैराबोला बना रहा है। फिर आपका एक्स इक्वल टू 1 है और एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू 1 है और वाई इक्वल टू 4, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम दी थी, बस इसमें हमने ये चेंज कर दिया है, ये वाई इक्वल टू 1 और ये वाई इक्वल टू 4। कौन से एक्सिस में निकालना है आपको एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए। अब क्योंकि एरिया वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो एरिया आएगा आपका 1 to 4 xdy। यहां से x की वैल्यू आ गई 2√y, ये आ गया 1/1 to 4 2√y dy, 2√y का इंटीग्रेशन 2/3 π/3/2, तो ये आ गया 4/3, लिमिट लगाओगे 8 - 1, सो व्हाट इज द आंसर, 28/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन होगा। क्लियर? यस बोलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, डीएक्स अपॉन अंडररूट ऑफ 7 - 4x - x² कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो अंडररूट के अंदर से माइनस, अनरूट के अंदर ही माइनस कॉमन लोगे। बहुत इजी प्रॉब्लम था, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, 4 का आधा टू टू, टू का स्क्वायर 8 भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर सब्ट्रैक्ट लो। भी कर दो, तो यहां से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये आ गया आपका एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और -4 - 7 - 11,
आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 11 माइनस x+2 का होल स्क्वायर। 11 को लिखोगे आप √11, कौन सा फॉर्मूला लगा? साइन इनवर्स x/8। तो साइन इनवर्स x+2 बाय √11। अब देख लो भाई, तुम्हारा यही आ रहा था कि जिस सेट बी वालों का? यस सर, अब यस सर। देखो, क्वेश्चन नंबर 9th कल बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 10th कल बता दिया था। 10th भी जो वो आपका था ना क्वेश्चन, उसका केस स्टडी वाला, पिज़्ज़ा वाला, वो यही था 10th वाला, बस उसको लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया, बाकी सेम है। क्वेश्चन 11th कल बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 12th कल बता दिया, तो सेट बी में बस इतना है। और कोई डाउट हो तो बोलो सेट बी में। फिर 12th वाला बताऊं। 12th वाला वापस से बताऊं? देख क्या मुंजल क्या बोल रहा है, 1st वाले में समझा नहीं, 1st वाले में क्या बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा? मेरे को ई की पावर दे नहीं रखी थी, ई की पावर दे नहीं रखी थी 1st वाले में, क्यों? दे तो रखी है। अच्छा ओके ओके ओके, सही बोल रहा है। ई की पावर एक्स टाइप, ई की पावर एक्स टाइप करना भूल गया। बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाई ये बोल रहा है कि एक बार, तो फिर उसके लिए एक काम करो, दोबारा कनेक्ट कर लो, क्योंकि ये बंद होने वाली है। फिर मैं इसके बाद एक और है ना आपका भेज रहा हूँ, उसको भी देख लो। ओके सर।